कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ है। वहीं चिंतन शिविर से लेकर संगठन तक कई अहम मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उदयवान ने जनता टीवी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ है और उसमें कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस में भी नई नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले दिनों उदय भान की हुई है। प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और उदयपुर के चिंतन शिविर में किस तरीके की क्या चर्चा हुई है इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर क्या तैयारी है, इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत उदय भान से करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको एक बार फिर से बधाई शुभकामनाएं, आपको प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान मिली है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर आपका रहा सर कांग्रेस का, उसमें क्या किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई है, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करने की बात की गई है और ये कहा गया है कि हम अपना जो है वो अब जो कर्ज है एक तरह से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर वो हम अदा करेंगे, किस रूप में अदा किया जाएगा सर वो कर्ज? बहुत धन्यवाद पवन जी। जहाँ तक उदयपुर के चिंतन शिविर की है, देखिए जैसे सागर मंथन में ना अमृत निकला था, उसी तरह से इस चिंतन शिविर में मंथन हुआ है हर मुद्दे पर। 6 कमेटियाँ थीं, 6 कमेटी में एक कमेटी में लगभग 70 डेलीगेट थे, लगभग 700 मिनट चर्चा हुई है और सबको लगभग 8-10 मिनट सबको बोलने का मौका मिला और उस पर जो एजेंडे जो थे उस एजेंडे पर एक एक आइटम पर सबने अपने अपने ढंग से विचार रखे। जो एजेंडे से बाहर भी जो मुद्दे जिनके जो समझ में आए कि भाई इस एजेंडा में ये मुद्दे और शामिल किए जाएं, तो उनको भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इस तरह से पूरा हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, चाहे वो आर्थिक पहलू है, चाहे वो संगठन का है, चाहे वो ये राजनीतिक पहलू है, चाहे ये अपना किसानों से संबंधित एग्रीकल्चर का है, चाहे ये सामाजिक न्याय और उसका अधिकारिता का एम्पावरमेंट का है। तो इन सारे मुद्दों पर ये मंथन हुआ है और उसके सारा जो रिजल्ट निकला है उसका ये कि भी समय संघर्ष का मौका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको बाहर आना सड़क पे पड़ेगा और सड़क से लेकर के और संसद और विधानसभा तक लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी का जन जागरण अभियान चलेगा और प्रदेश में भी घर घर चलो और दूसरे अभियानों के जरिए सभी प्रदेश में जो लोगों की जो समस्या हैं उनको उजागर किया जाएगा, इस सरकार के गलत कारनामों को बेनकाब किया जाएगा, जलसा जुलूस रैलियों के माध्यम से सारे काम किए जाएंगे और संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। संगठन में अभी तक हमारे ब्लॉक पर जिला पर प्रदेश में संगठन थे, तो उसमें अब मंडल का एक और नया उसमें जोड़ा है कि एक क्लस्टर जो जैसे गांव में देहात में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार जो कानून को सर्कल होता है, एक पटवार सर्कल होता है तो गांव की यूनिट हो गई, एक कानून को सर्कल होता है जिसमें 20-22 गांव होते हैं, उनका एक मंडल बनाया जाएगा जी। तो उस मंडल पर एक संगठन होगा उसी तरह से, तो उसमें एक संगठन एक और बढ़ जाएगा तो और बेहतर ढंग से प्रभावी ढंग से अपने बात रख पाएंगे। और अब जो संगठन के हैं हमारे DROs आए हुए हैं, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं और वो सभी जो चुनाव ब्लॉक के और जिला के वो प्रक्रिया चल रही है हमारा जो AICC का जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसके अनुसार, तो उसका बहुत जल्दी ये हमारे देखेंगे कि ब्लॉक का संगठन, जिले का संगठन, प्रदेश का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में फिर हम उनको इसमें मंडल स्तर पर और दूसरे गांव स्तर पर जाएंगे। सर, आपने जो ये संगठन को लेकर बात की कि आप संगठन जो है वो जल्द खड़ा करेंगे, लेकिन उदयपुर का जो चिंतन शिविर है उसमें जो बड़ी बात निकल कर आई सर वो यही सामने आई कि कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में ये कहा कि
पार्टी का जो कर्ज है उसे अब हम अदा करेंगे। यानी ये तो कांग्रेस के नेता मानते हैं कि इतने लंबे समय तक पार्टी जब सत्ता में थी तो जो है वो तमाम नेता जो है वो तमाम पदों पर रहे, लेकिन अब उसको कर्ज के रूप में चुकाने का वक्त है, वापिस सरकार में लेकर आना है कांग्रेस को, यही मकसद है? बिल्कुल, जो पार्टी ने इतने इतने जिम्मेदारियां दी हैं, हमें जो मान सम्मान इज्जत दी है पार्टी ने, जो दिया सभी नेताओं को, तो अभी ये फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित होकर के सड़क पर आकर के काम करें, खाली अपने कोठी पर मकान पर कोई ट्वीट करने से वो काम नहीं चलेगा। बल्कि जो है कर्ज उतारने का पार्टी का मतलब है कि हमें सत्ता में पार्टी को लाना है और उसके लिए हमें सड़क पर उतरना है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप, लोगों की जो जनभावना है उनको हमें आगे लेकर के बढ़ कर के उनके अनुसार हमें काम करना है। जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको हमने बेनकाब करना है, जो सरकार गलत काम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर हो रहा है आर्थिक जो व्यवस्था है, आज जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ढह चुकी है, रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 75 रुपये का डॉलर हो रहा है। आज किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर के जो दायरे थे वो सारे एक एक करके बेचे जा रहे हैं, पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं, किसी को पेगासस के नाम से डरा दिया जाता है, सारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो दायरे थे हमारे वो आज खतरे में है। बात करेंगे तमाम जो हरियाणा के जो सरकार के गठबंधन सरकार के लिए विपक्ष के नाते आपकी क्या तैयारी है उस पर बात करेंगे सर, लेकिन हाल ही में आपकी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद जो आपके चारों कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप हैं, आपकी राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई है, क्या उनका दिशा निर्देश है सर, किस तरीके से अब संगठन में जान डालकर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? उनका सीधा दिशा निर्देश है कि आपको जो जिम्मेदारी दी है उसको जो ना अपना पूरा मेहनत के साथ मिलजुल करके काम करो और प्रदेश में अपनी सरकार को लाने के लिए अपना पूरी तरह से योगदान दो। और हमने सबने आश्वस्त किया है कि हम अपना पूरा 100% आपको रिजल्ट देंगे। हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया है। तो ये सर 7-8 साल से जो बिखरा हुआ था कांग्रेस में, अलग अलग नेताओं का अलग अलग एक ग्रुप बना हुआ था, उसको आप एकजुट करके आगे बढ़ पाएंगे, आपको लगता है ऐसी स्थिति बन जाएगी? क्योंकि 7 साल का जो अनुभव है कांग्रेस का हरियाणा का वो बहुत खराब रहा है। नहीं, जो बीत गया उसकी तरफ ध्यान ना दे करके आगे के लिए चलना है, आगे के लिए सुधारना, जो उससे हमें सबक लेना है, जहाँ हमारी कमियाँ रही हैं। और ये बात मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो संगठन में हमारी कमी रही, जो संगठन नहीं बन पाए, उसकी वजह से हम थोड़ी थोड़ी वोटों से कई हमारी 15-20 सीटें ऐसे हम हार गए, जो अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो हम जीतते। और कुछ आपकी मीडिया की मेहरबानी होगी, 75 पार और 78-83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस की तो 3-5 हो रही हैं, तो जो फ्लोटिंग वोट है उन पर असर पड़ता है, राज में साझा कर लो सरकार बीजेपी की आ रही है। तो सर, ये इसके साथ साथ जो आपकी तैयारी अब आप कह रहे हैं आगे बढ़ने वाली, उसमें अभी भी उदयपुर भी नहीं पहुंचे, कांग्रेस के नेतृत्व के जो आदेश थे उनको नहीं माना गया, आप लोगों ने यहाँ पर जब कार्यभार संभाला तब भी नहीं पहुंचे, मैं बात कुलदीप बिश्नोई की कर रहा हूँ सर, नाराज चल रहे हैं सर, कैसे उनको ले पाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठा पाएंगे? नहीं, हमारा कुलदीप बिश्नोई से कोई किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, ना उनका मेरे से किसी प्रकार का कोई मतभेद है, उनकी कोई मन की पीड़ा है। वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आदरणीय राहुल जी से वो कोई अपनी बातचीत करना चाहते हैं तो वो करें, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, वो जाएंगे बात कर लेंगे, कोई जो गला शिकवा है वो दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, सीनियर आदमी हैं, उनका परिवार की एक पृष्ठभूमि है हरियाणा प्रदेश में, तो हमारा तो यही रहेगा प्रयास कि वो हम साथ में सहयोग करें और मिलजुल करके हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, यही हमारा प्रयास रहेगा। हरियाणा की गठबंधन सरकार सर अभी ये कहती है कि प्रदेश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा CMIE जो पेश करती है वो फर्जी है, वो गलत आंकड़ा है, और साथ ही प्रदेश में रोजगार लगातार ये दावा करती है कि अब रोजगार का कोई संकट नहीं है, हमने जो है वो तमाम रोजगार के प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ हर मामले में गठबंधन सरकार अपने आप को अव्वल मानकर चल रही है, लेकिन विपक्ष के नाते आप कहाँ पर किस तरह पर देखते हैं सरकार को? नहीं, जब CMIE के आंकड़े जब इनके अनुरूप होते हैं तो वो ठीक है,
ये आंकड़े क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाए कि विपक्ष पार्टी ने बनाए, ये किसके आंकड़े हैं, सीएमआई किसकी है? तो जब ये आंकड़े आ रहे हैं, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़े जारी किए हैं, अब उसके कोविड के बारे में ये विपक्ष के हैं, इन्होंने ये जो बता रहे हैं लोगों को जो धूल झोंक रहे हैं, ये 4.8 लाख बता रहे हैं, वो 47 लाख हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है कोविड से जो डेथ हुई, वो देखा नहीं लोगों ने कि वे किस तरह से नदियों में लाशें बहती रही, किस तरह से शमशान में कब्रिस्तान में जगह नहीं रही थी, किस तरह एक एक घर में एक के बाद एक, एक के बाद एक तीन तीन चार चार लोगों की डेथ हो गई। तो ये पूरा हाहाकार पूरे देश के अंदर मचा और ये आंकड़े की बाजीगरी करते रहे, छुपाते रहे, किसको नहीं पता। अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, इन्होंने बेरोजगारी, इन्होंने कहा था कि हम 50,000 नौकरी हर साल देंगे, 8 साल हो गए इनको, 4 लाख नौकरी देनी चाहिए थी, कितनी नौकरी हैं आज भी सरकारी, क्यों है 45,000 पोस्ट खाली हैं शिक्षा विभाग में, आज क्यों है कि भाई जो बिजली बोर्ड में करीब 30-32 हज़ार पद खाली हैं, आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर पद खाली ना हो, पुलिस के जो है पुलिस में कितने पद खाली हैं, कई हज़ार पद खाली हैं, ये भर्ती नहीं कर रहे, ये चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग से कुछ एक जगह ले रहे हैं और वहां पर भी ये ठगी कर रहे हैं गरीब आदमियों के साथ, जो दलित जो SC का कोटा है रिजर्वेशन का उसको भी ख़त्म करने के लिए इन्होंने लाखों आदमी आउटसोर्सिंग से लिए हैं और वो वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके साथ में भी ये धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार झूठी है, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रदेश का कर्जा जो 60,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज इन्होंने 3 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। आज हर बच्चा जो पैदा होता है लाखों रुपए का कर्ज लेकर के पैदा होता है, यहाँ हरियाणा प्रदेश में तो ये श्रीलंका जैसी हालत इन्होंने बना दी कर्जे की। आरोप लगा रहे हैं जो तमाम मुद्दे पर सरकार को विफल बता रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब ग्राउंड में जाएगी क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो मई जून के इस तपती गर्मी में रैली करके अपनी सरकार की उपलब्धियां अलग अलग जगह बता रहे हैं, आपके पलवल में भी गए थे पिछले दिनों, तो अब कांग्रेस कब उतरने जा रही है सर मैदान पर? ये जाते हैं 5-स्टार होटल में अपनी जो है कोई मीटिंग कर लेते हैं 200-400 आदमियों की, ये सड़क पर कहाँ जा रहे हैं, सड़क पर तो कांग्रेस ही जा रही है। आपने देखा नहीं कि अभी 1 तारीख को फरीदाबाद में कितनी जबरदस्त रैली हुई थी, रैला हुआ, और किस तरह से 4 तारीख को लोग सड़कों पर उमड़ करके आए थे, और किस तरह से अब आप देखोगे कि 29 तारीख को फतेहाबाद में रैली हो रही है, आप देखना वहाँ इनकी भी रैली 29 को इनकी। आप हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेस जो है ना मीडिया वो आईना है जनता को, और जो प्रेस दिखाता है उसको जनता उसको सही मान करके उसके अनुरूप ही करती है। हम तो आपसे ये निवेदन है कि आप सच्चाई दिखा देना, 29 को ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहाँ तो कांग्रेस है और कहाँ पे भाजपा है और कहाँ पे आम आदमी पार्टी है, ये तीनों की है ना मीटिंग है, 29 तारीख को हो रही है, केजरीवाल भी रैली कर रही है, JJP की भी हो रही है, हो रही है। इसके साथ ही मेरा सवाल है, नगर निगम नगर पालिका के परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, हाईकोर्ट ने आदेश अब कर दिए हैं सरकार को, पंचायत के चुनाव की पहले ही जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है, आपकी पार्टी की रणनीति क्या है सर? नगर निगम के चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, पार्षद भी और मेयर भी, और नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में अभी बहुत जल्दी हम फैसला लेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है। जहाँ तक पंचायतों के है, अभी तक पार्टी ने कभी सिंबल पर नहीं लड़ा, नगर पालिका नगर परिषद के भी नहीं लड़े, नगर निगम के चुनाव लड़े हैं वो हम लड़ेंगे सिंबल पर, नगर पालिका नगर परिषद के बारे में विचार करेंगे, और पंचायत के चुनाव क्योंकि ये छोटे चुनाव होते हैं इसमें जो ना हम नहीं चाहते ये भाईचारा जो बिगड़े भाईचारा बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव बगैर सिंबल पर लड़े, हम सिंबल पर नहीं लड़ना चाहते, और ये नगर पालिका नगर परिषद पर हम विचार करेंगे। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष उदय भान थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ बात की है, और साथ ही ये कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस अब मजबूती के साथ जो है वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई दिखेगी। इसके साथ ही नगर पालिका और परिषद का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना, इस पर अभी विचार किया जाएगा, इस पर चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला होगा, और इसके साथ ही पंचायत का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV चंडीगढ़।